नमस्ते, आइए आज अंजलि किचन में आपका स्वागत है। हर बार की तरह आज भी एक नया डिश लेकर आई हूँ, उड़ीसा का स्पेशल दही बड़ा और इमली का मीठा चटनी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है इसको मैं दिखाती हूँ। देखिए, दही बड़ा बनाने के लिए एक कप पूरा दाल को रात भर पानी में भिंगो कर छोड़ दिए थे। पानी इतना डालना है ताकि उड़द दाल अच्छी तरह से ढक जाए। और सुबह में इसको छान के इसको सूखा करिए, बहुत सॉफ्ट हो गया है। इसके बाद दही, 3 कप फ्रेश दही को लेके और 1 कप पानी मिलाकर इसको मिक्सी कर लिए हैं। ये देखिए, तलने के लिए रिफाइंड चाहिए, नमक, गोटा जीरा, सूखी लाल मिर्च। और हम पानी 2 जगह लिए हैं, 1 जगह जब बड़ा बनाने के बाद इसको जरूरत पड़ेगी और ये पानी बड़ा बनाते समय जरूरत पड़ेगा। देखिए, जो उड़द दाल भिंगो के रखे थे अभी मिक्सी में इसको अच्छी तरह से पीस लिए हैं, इसको फाइन पेस्ट बना लिए हैं। अब इसको हमको अच्छी तरह से फेंटना है। ये देखिए, इसको फेंटते फेंटते ये पूरा फ्लफी हो जाता है, बहुत हल्का लग रहा है। देखिए, बहुत अच्छा हो गया है। अब इसको जानने के लिए कि पेस्ट तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, इसको जानने के लिए हम एक कटोरा में पानी लेंगे और पानी में थोड़ा सा पेस्ट को डाल के देखेंगे कि ये अगर फ्लोट कर रहा है तो सोचिए कि ये पेस्ट तैयार हो गया है। अगर ये फ्लोट नहीं करता तो 1-2 बार और फिर से इसको फेंटना है और इसको फिर इसमें डाल के देखना है। अब देखिए, बहुत अच्छी तरह से फ्लोट कर रहा है और मेरा पेस्ट तैयार हो गया है। बड़ा तलने के लिए ये देखिए, 1 कटोरा रिफाइंड मैं डाल रही हूँ। ये रिफाइंड खूब अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। कि तेल गर्म हो चुका है और फ्लेम को हाई से सीम पर कर देते हैं। देखिए, अब बड़ा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, ये देखिए, और इसको एक बार अच्छी तरह से मिला दें। अब देखिए, बड़ा इसमें डालने के लिए ये बड़ा को हाथ में लेने के बाद ये इसको पूरा बॉल को पानी में छोड़ देते हैं। पानी में छोड़ने के बाद इसको कि पानी में छोटा इसको अंदर से निकाल लिए। निकालने के बाद ये हथेली में रख के देखिए, इसको हथेली में रख के ये देखिए, ऐसे धीरे छोटा छोटा इसको अच्छी तरह से, ये देखिए कितना सुंदर सा हो गया, गोल सा। और इसको बीच में एक होल बना देते हैं। अब इसको ऐसे करके पलटी करके ये देखिए इसमें छोड़ रहे हैं। एक बड़ा इसमें कढ़ाई में ज़्यादातर 2 डाले क्योंकि अच्छी तरह से फूल जाता है। अगर ज़्यादा डालने से क्या होता है कि एक दूसरे में सड़ जाता है। ये देखिए और इसको अब दिखाते हैं ब्राउन होने के बाद कैसा लगता है देखने में। देखिए, अब ये बड़ा ब्राउन हो गया है। थोड़ा सा हल्का सा फ्लेम को तेज कर दिए हैं, थोड़ा पलटी कर रहे हैं आगे पीछे। देखिए, बहुत अच्छा ब्राउन हो गया। अब इसको धीरे से निकाल के अब इसको देखिए ये जो पानी है रखे इसमें डाल रहे हैं। इसको भी देखिए, इसमें पानी में डालने के बाद दही को इसमें लाए। अब इसे हथेली पे लेके थोड़ा सा पानी जो है इसको हटाने के बाद इसमें डालना है। और ये कुछ पहले से बड़ा बना के रखे हैं, इसमें डाल रहे हैं। ये दही का जो बना के रखे मिक्सी करके इतना डालना है ताकि ये सारे बड़ा अच्छी तरह से दही के अंदर डूब जाए। डूबने के बाद इसे आधा घंटा तक
इसमें रखना है ताकि जो दही है वो पूरा अच्छी तरह पड़े के अंदर मिलकर सॉफ्ट बन जाता है। और इमली की चटनी में ये देखिए, ये है 50 ग्राम इमली। इमली को 3 से 4 घंटा पहले पानी में भिंगो के रख दिए थे, और पानी में जब भींग गया तो उसको अच्छी तरह से इसको छान के छन्ना से इसको निकाल लिए हैं। ये देखिए इमली का पूरा जो सीड्स होता है वो बाहर निकल गया है और अच्छी तरह से मिल गया है। इसके बाद इसमें 100 ग्राम गुड़, अगर इमली 50 ग्राम है तो गुड़ को हमको 100 ग्राम मेजरिंग में 100 ग्राम लेना पड़ता है। और इसमें 1 चम्मच घी, आप रिफाइन में भी बना सकते हैं बट घी में इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसमें 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और इसमें देखिए 5 तरह का लिया हुआ मेथी, सरसों, अजवाइन, सौंफ और काला जीरा, ये 5 तरह से मिला के इसको पचफुटन बनाते हैं और इसको चटनी बनाने के लिए यूज करते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। देखिए अब इमली का मीठा चटनी किस तरह से बनाते हैं। अब देखिए कढ़ाई को गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 1 चम्मच घी को डालना है। जब घी गर्म हो जाए देखिए इसके बाद ये देखिए पचफुटन जो तैयार करके रखे थे, मेथी, जीरा, सरसों, सौंफ और काला जीरा, 5ों को पचफुटन बना लिए थे। अब इसमें से ये देखिए करीब 1 चम्मच पचफुटन को डालते हैं। जब थोड़ा अच्छी तरह से ये चटकने लगे तो जो हम इमली को निकाल के रखे थे, ये देखिए अभी हमको इमली को डाल दें। अब हमें इमली के साथ साथ थोड़ा सा इसमें नमक भी डालना है। ये देखिए थोड़ा सा, क्योंकि ये मीठा चटनी है इसलिए नमक थोड़ा कम डालना है। इसमें थोड़ा चिली पाउडर भी, ये कश्मीरी चिली पाउडर है, तो इसमें क्या है कि इसमें तीखा नहीं होता, बस कलर आता है। ये जो गुड़ है 100 ग्राम गुड़ को इसको मिला देते हैं। इसे देखिए इसको अच्छी तरह से, जब गुड़ और इसमें घी सब और इमली सब अच्छी तरह से मिल जाए, 10 से 15 मिनट इसको मध्यम आंच पे इसको रखें। इमली की चटनी अब तैयार हो गया है, ठीक हो गया है और बहुत अच्छा से अपना कलर दे लिया है। अब इसको गैस को ऑफ करते हैं और इसे छन्ना से छान लेते हैं। अब देखिए छन्ना से छानने से इसमें जो भी मसाला डाले हैं वो सारा निकल जाएगा, सिर्फ हमको इमली फ्लेवर के साथ चाहिए। ये देखिए अब इसे थोड़ी गर्म है, ये देखिए ये जो हम डाले थे पचफुटन और जो भी मसाला, ये देखिए पूरा ये निकल चुका है। अब देखिए ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट हो गया है। आप आइए देखिए चटनी दही बड़ा में डाल कैसा लगता है। गोटा मिर्च जो रखे थे, सूखी लाल मिर्च को तवे पे गर्म करके उसका हल्का सा मैं भून के और मिक्सी कर ली हूँ, और ये जीरा जो जीरा को भी भूंज के मिक्सी कर लिए हैं। और अब 1/2 घंटा हो चुका है जो दही में बड़ा डाल के रखे थे, वो अब बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है।
ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो गया, बहुत ही अच्छा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम निकालते हैं दही बड़ा को। अब देखिए इसमें इसको देखो, इसके ऊपर से देखिए, इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, क्योंकि हम दही में नमक नहीं डालते और बड़ा में भी बहुत थोड़ा सा नमक डाले थे। आप स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। और ये जो मिर्चा भूज के रखे हैं इसको डाल रहे हैं, जीरा भूज के रखे हैं ये देखिए इसको डाल रहे हैं, ये देखिए लाल मिर्च थोड़ा। अब जो इमली का चटनी जो बनाए, अब देखिए इमली की चटनी को बड़े के ऊपर, ये देखिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप जरूर ट्राई करें और बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और एक नया रेसिपी लेकर मैं आपके सामने आऊंगी।